स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश में हम आपने बुक नेम बिहाइव वन लिखा है, आपने बिहाइव बुक से 10 लेसन और 10 पोयम पढ़ी थी। फिर बुक नंबर 2 मूमेंट्स, ये बुक से भी आपने लेसन पढ़े, ठीक है। और जो कम के पाठ्यक्रम थे वो आपको हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो जितने भी मैं इसमें लेसन है वो आपने पढ़े। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज पार्ट 3, जिस बुक का नाम है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो ये आपको इंग्लिश में 3 बुकें लगेंगी, ठीक है। तो पार्ट 3 में यूनिट है, यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक। तो शुरू करने जा रहे हैं हम यूनिट 1। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इन यूज ऑफ जीपीएस? आंसर, द यूज ऑफ ग्लोबल पॉइंटिंग सिस्टम विल बी टू हेल्प टैक्सेस एंड मैपिंग डायरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ ड्रोन? व्हाट आर इट्स एडवांटेज? ड्रोन क्या है और उसका एडवांटेज क्या है? A drone is an unmanned small aerial vehicle, is a controlled through remote. Drone जो है एक unmanned जो है एक वाहन है, वाहन का मतलब उड़ने वाला जो है, वो रिमोट से क्या होता है, कंट्रोल होता है फ्रॉम द ग्राउंड। इट एडवांटेज आर मेनी, इसके बहुत सारे लाभ हैं। इट विल कैरी स्मॉल लीड्स ऑफ मटेरियल व्हाइल फ्लाइंग इन द एयर, ये हवा में उड़ता है। It will deliver articles of a certain weight without any hassles. Drone will also be useful to impact critical infrastructures like bridge and power lines. These will also serve areas struck by a natural disasters. Question number 6, which technology will be used in flying cars? जो cars हैं वो उसकी क्या technology, किस प्रकार वो military technologies will be used in flying cars. Question number 7, how will be flying cars be more convenient than planes and helicopters? Answer is the flying cars shall be more. Question number 7 ka answer hai. Shall be more convenient than planes more convenient convenient than planes and helicopters, because they are small be more affordable. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हुआ। अब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, द फेवरेट टीच पर्सन इन सोफियास लाइफ इज, तो इसका आंसर है डेविड हसन। ये ऑब्जेक्टिव है, आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है फाउंड द ऑड वन। फाउंड ऑड का मतलब होता है कि जो बेमेल, असंगत या अलग।
वर्ड इसमें इसमें से अलग है। आपको चार वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, ये चार वर्ड्स हैं, इनमें से जो भी तीन जो है वो सेम सेम उसका मीनिंग है बट एक का मीनिंग अलग है, ठीक, तो वो अलग आपको देखना है। ठीक, तो फर्स्ट है प्लीज है माइजरी, हैप्पीनेस एंड डिलाइट। हैप्पीनेस का मतलब है कि खुशी, माइजरी, डिलाइट, ये सब अच्छा माइजरी, ठीक है, इसका जो है अलग से है ये। सेकेंड है नोट, डायरी, सेकेंड वर्ड है डायरी, बुक और कॉपी। तो इसमें से नोट, डायरी और कॉपी क्या है, ये बिल्कुल सेम है, बुक क्या है बिल्कुल अलग, किताब है ना, तो बुक ये आंसर बुक सही है। थर्ड है टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल एंड स्कैनर, ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है ये भी, मोबाइल और स्कैनर, ये तीनों क्या है एक ही कोई भी टेक्नोलॉजी के पार्ट है, बट टीवी थोड़ा सा क्या है इसमें से डिफरेंट है, तो टीवी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डिस्प्ले, एग्जीबिट, अपीयर, शो, ठीक, डिस्प्ले यानी डिस्प्ले करना, अपीयर होना, शो दिखाना, एग्जीबिट यानी दिखाना, अपीयर बिल्कुल अलग वर्ड्स। नेक्स्ट है स्कॉनफुल, कंटेंपस, बुकिंग एंड डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी इज अ डिफरेंट वर्ड, तो आंसर डाइवर्सिटी। इलिमिनेटिंग, ब्लेंडिंग, प्लीजिंग एंड रेटिफाइंग मींस इलिमिनेटिंग इज अ डिफरेंट वर्ड, तो द राइट आंसर इज इलिमिनेटिंग। क्वेश्चन, यू वुड हैव कम अक्रॉस द यूज ऑफ प्रीफिक्स लाइक दिस, अन, मिस, इन एक्सेट्रा, तो प्रीफिक्स का अर्थ होता है उपसर्ग, आप हिंदी में पढ़ते होंगे प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में, तो उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे लगा है, ठीक, तो कुछ शब्द देंगे उस शब्द का अपोजिट आपको उपसर्ग लगाना होगा, ठीक, तो ये लिखा राइट द अपोजिट, अपोजिट का विरोधी, ठीक है, तो पहला शब्द है यूएसई, क्या है यूएसई, इसमें हम उपसर्ग लगाएंगे, उपसर्ग के लिए दिए गए हैं आपको वर्ड्स दिस लगाना है, अन और मिस, तीन में से लगाना है, अन एंड मिस, इनमें से चॉइस करना है, ठीक, तो यूज के लिए क्या होगा एम आई एस, मिस यू। सेकेंड है ए जी आर डबल ई, एग्री, ओके, तो इसका आ जाएगा डिस एग्री, डी आई एस ए जी आर डबल ई, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है इंगेज, ई एन जी ए जी ई, इंगेज का आ जाएगा डिस एंगेज, डी आई एस ई एन जी ए जी ई, ठीक, इसी प्रकार अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का आ जाएगा मिसअंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ विरोधी शब्द की बात हो रही, ठीक है। फोल्ड, फोल्ड का क्या हो जाएगा अनफोल्ड, अन लगाया है इसमें। फिर है स्पेल, स्पेल में इसमें क्या लगाया एम आई एस, मिस। नेक्स्ट कनेक्ट, कनेक्ट का क्या विरोधी होगा डिसकनेक्ट, ठीक है, तो डिस इसमें ऐड किया है इस शब्द में, हाँ। लाइक, लाइक का क्या है डिसलाइक, तो डिस इज अ अपोजिट वर्ड। एंड विजिबल, विजिबल के क्या आएगा इनविजिबल, विजिबल यानी दृश्य, इनविजिबल यानी अदृश्य, ठीक है, ये देखा जा सकता है आई एम। नेक्स्ट प्रेडिकेटेबल, तो इसमें अन को शब्द को उपसर्ग को उपयोग किया। चलिए ग्रामर पढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद इफ और अनलेस, इफ और अनलेस का इसमें यूज करना है, इफ क्या है यदि, तो इफ शब्द का मीनिंग जानना है, इफ क्या अर्थ होता है यदि ना, और अनलेस, अनलेस का मीनिंग होता है यदि नहीं तो, ठीक है, ये दो शब्द का यूज करना है हमको। नेक्स्ट, फर्स्ट है वर्ड्स, सेंटेंस होता है आई वॉन्ट एबल टू असिस्ट यू डैश यू गिव मी ऑल द डिटेल्स ऑफ द फर्स्ट वर्ड इज अनलेस,
what they will tell me. I will take this job if the working horse suit me. If I ask me, next C dash is if is advertised on TV. Yadi TV advertised होती है टीवी में, he will get a lot of publicity. वह क्या करेगा, बहुत अच्छी प्रसिद्धि हासिल करेगा. E dash is very cold unless it is very cold, we will not have any snow. The thief threatened to kill us if we didn't give him money. F dash you, unless you high quality materials, you cannot build it. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर में आता है अरेंज ईच सेट ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस टू एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स. रीअरेंज का अर्थ होता है क्रमानुसार. तो क्रमानुसार वाक्यों को अर्थ के अनुसार व्यवस्थित कीजिए. नेक्स्ट है ए वाइज एवरी ए इज प्रोवर्ब और सेइंग. ये आपको अलग अलग शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को जोड़ के क्रम से जमाना. ठीक, तो फर्स्ट आता है इसमें एवरी प्रोवर्ब इज अ वॉइस सेइंग. फर्स्ट वर्ड इज कंप्लीट, तो एवरी पहले आएगा, प्रोवर्ब इज ए. ठीक, ये ग्रामर के अकॉर्डिंग. चलिए सेकेंड है बी सी यू कैन फ्रॉम मी देयर. इनमें से पहले क्रम में क्या आएगा, फ्रॉम देयर यू कैन सी मी, यू कैन सी मी फ्रॉम. थर्ड है हैप्पी दे टू द बियर मीट विजडम. सबसे पहले आएगा दे, दे क्या है कर्ता, दे बियर हैप्पी टू मीट द विजडम कर्ता. नेक्स्ट है इम्प्लेंट डू वी नॉट, डू नॉट बी इम्प्लेंट. Write a paragraph on each of the following. आपको एक पैराग्राफ लिखना है. पैराग्राफ के जो है शब्द और जो पॉइंट्स है बिंदु इस प्रकार है. पहला है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. इलेक्ट्रॉनिक जो है मशीनी उपकरण है और जो पर्यावरण है उसमें प्रदूषण जो है, तो पैराग्राफ आप पढ़ लेना अच्छे से. होमवर्क दे रही हूँ, पढ़ के आप इसको याद करना.